आज हम बनाएंगे बेसिक चॉकलेट केक इन फ्राई पैन और इसके साथ हम चॉकलेट स्प्रेड भी बनाएंगे। ये केक बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी तो होगा ही। इस तरह से केक बनाने से आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जैसे केक साइड से जल गया और बीच में से पका नहीं, या जब भी आप केक को लेयर्स में कट करते हो तो केक बराबर नहीं कटता और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और अगर आप इस तरह से केक बनाते हो तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन केक बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है आधा कप दूध, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। उसमें डाल देना है हमें आधा चम्मच विनेगर। विनेगर की जगह पर आप आधा चम्मच नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रख देनी है हमें छन्नी और छन्नी में डाल देना है आधा कप मैदा, 1/4 कप पिसी हुई चीनी, 3 चम्मच कोकोआ पाउडर। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सभी चीजों को हमें छान लेना है। अब इन सभी चीजों को हमें दूध में मिक्स कर देना है। इस रेशियो से हमारे पास एक पैनकेक रेडी होगा। और यहाँ पर हमें केक बनाने के लिए 2 पैनकेक चाहिए। आप चाहे तो इसी टाइम पर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को डबल करके बैटर बना लें और बैटर बनने के बाद उसे 2 भागों में डिवाइड कर लें। उसके बाद आप जब केक को बेक करें तो उस टाइम पे ही आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ऐड करें। तो मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देना है हमें 3 चम्मच ऑयल। ऑयल की जगह पर आप मेल्ट बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे इसे बेक करने की तरफ। तो हमने यहाँ पर लिया है पैन और गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमें पैन में ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब इसमें बनाया हुआ केक का बैटर डाल देना है और लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक इसे बेक होने देना है। और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। 7 मिनट के बाद आप इसमें टूथपिक या फोक डाल करके चेक कर सकते हैं कि केक अच्छे से बेक हो गया है या नहीं। तो केक अच्छे से बेक हो गया है, ये टूथपिक में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अब हमें इसे ठंडा होने देना है। तो केक ठंडा हो गया है और अब हमें इसे पलट लेना है। आप देख सकते हैं केक कितना स्पॉन्जी बना है। अब इसी तरह से हमें दूसरा केक भी रेडी कर लेना है। जो भी चीजें हमने इसमें ऐड करी थी उसका रेशियो हमें यही रखना है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट स्प्रेड, जिसके लिए हम लेंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर, 1/4 कप चीनी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब लेंगे 1/4 कप दूध, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और दूध डाल करके इन सभी चीज़ों को फिर से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे गैस पर रख देना है और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी के गलने तक का वेट करना है। चार मिनट के बाद आप देखेंगे कि चीनी मेल्ट होने लगी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें 1 चम्मच बटर डाल देंगे और बटर को लगातार चलाते हुए मेल्ट होने देंगे। आप चॉकलेट स्प्रेड की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप चॉकलेट स्प्रेड को
बनाए हुए पैनकेक के ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो हमने चॉकलेट स्प्रेड को सभी तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर बनाया हुआ दूसरा पैनकेक रख देना है। अब हमें इसके ऊपर डाल देनी है पिसी हुई चीनी। आप इसके ऊपर और चॉकलेट स्प्रेड भी बना करके डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ली है जेली टॉफीज और जेली टॉफीज को हमें साइड्स में लगा देना है। और रेडी है हमारा पैनकेक। अब हम इसे कट करेंगे। और केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। आप मेरी इस केक की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज आपको रेगुलरली मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।